सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय परिसर में अवैध रूप से पार्किंग शुल्क वसूलने पर छात्रों ने रोष जताया। भड़के विद्यार्थियों ने अवैध रूप से पार्किंग वसूली बंद कराने की मांग को लेकर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अर्चित कुमार के नेतृत्व में प्राचार्य के नाम ज्ञापन सौंपा। कॉलेज छात्रों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि महाविद्यालय परिसर में अवैध रूप से पार्किंग लगाई जा रही है और कॉलेज में आने वाले छात्रों से 10-10 रुपए और छात्रों द्वारा पास बनवाए जाने पर 150 रुपए की हाथ से लिखी हुई पर्ची काटी जा रही है, जो कि पूर्णतः गलत है। ज्ञापन में बताया गया कि अवैध रूप से महाविद्यालय में संचालित अवैध पार्किंग स्थल पर कार्यरत कर्मचारी छात्रों के साथ बदसलूकी करते हैं, वही छात्रों के वाहन के चालान काटकर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है, जिसका छात्र विरोध करते हैं। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन से अवैध पार्किंग वसूली करने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है। जल्द ही कार्यवाही नहीं होने की सूरत में छात्र आंदोलन की राह पकड़ने को मजबूर होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने के दौरान बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित थे। के अंदर अब पार्किंग की एक अव्यवस्था के रूप में लगा रखी है, जिसके अंतर्गत एक 10-10 रुपए की हर दिन, यानी कि अगर कोई विद्यार्थी कॉलेज से बाहर भी जाता है अपनी गाड़ी उठा करके, तो उसे 10 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। और उसके अलावा यहाँ तक कि उसे कोई किसी चीज़ की फोटोकॉपी भी करवानी पड़ती है, तो भी हर बार 10 रुपए का उसे भुगतान करना पड़ता है। और उसके ऊपर ये अमनमाने ढंग से और प्लस ये अभद्रता से एक तो व्यवहार करते हैं, और ऊपर से ये कहते हैं कि तुम्हारे बाप का कॉलेज नहीं है, तुम्हारे पिताजी की संपत्ति नहीं है, जो तुम गाड़ियाँ ले लेके जा रहे हो, 10 रुपये देना ही पड़ेगा। और इसके अलावा ये 150-150 रुपये का एक टोकन बना रहे हैं, टोकन के नाम पे ये कागज़ की रिसिप्ट फाड़ करके दे रहे हैं, जिसपे विद्यार्थी का नाम, कक्षा और उसके ऊपर 150 रुपये जमा करके और अपने साइन कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि ये तुम्हारा पास है, इसे संभाल के रखो, इसे दिखाओगे तो ही तुम्हारी गाड़ी को आगे जाने देंगे, अन्यथा नहीं जाने देंगे, गाड़ी को रोक लिया जाएगा। कई बार कई विद्यार्थियों की, जिनके पास पैसे नहीं हो पाते, तो उनकी गाड़ी की चाबियां निकाल लेते हैं और इस तरह का अमनमाना व्यवहार कर रहे हैं। और इस प्रकार से